आप देख रहे हैं नंबर वन सूत्रा जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर इन दिनों कांग्रेसियों में काफी उत्साह है। खासकर वे कांग्रेसी कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं जिनके पास रूपेश सरकार के डेढ़ साल होने पर भी अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे नेताओं को उम्मीद है कि इस बार उन्हें कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जो फिट नहीं हुआ तो क्या उसकी नाराजगी से पार्टी में गुटबाजी नहीं बढ़ेगी। हालांकि ये प्रश्न भविष्य का है, लेकिन गंभीर होने की वजह से अभी से उठ रहा है। वैसे फिलहाल तो चुनौती कोरोना से निपटने की है, जिसमें आर्थिक संकट भी कम नहीं है। ऐसी सूरत में खर्चों में कटौती करने वाली कांग्रेस सरकार नियम मंडलों में जल्द से जल्द नियुक्तियां कर क्यों आर्थिक बोझ को और बढ़ाना चाहती है, इसी विषय पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लंबे समय से ठहरी हुई राजनीतिक गतिविधियां अब धीरे धीरे तेज हो रही है। मामला सत्ता में बने रहने और सरकार में फिर आने का है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस कोरोना कहर में ही पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने धुरंधरों को जिम्मेदारी दे दी है, जो जीत की नींव तैयार करने में जुट भी गए हैं। इधर स्वराज एक्सप्रेस की टीम फिलहाल मुरैना जिले में मुस्तैद है, यहाँ की सबसे ज्यादा 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। आज हम बात मुरैना जिले में आने वाली दिम्मी सीट की करेंगे, जो गिरिराज दंदोतिया के दल बदल की वजह से रिक्त हुई है। इस सीट पर उपचुनाव की जंग कैसी रहेगी, क्या बसपा भी यहाँ मुकाबले में है, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहाँ निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर नफा या नुकसान की बातें होने लगी। तो छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा निगम और मंडलों में नियुक्तियों की खबर ने कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल बढ़ा दी है। इन पदों पर नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे प्रत्याशियों ने कांग्रेस भवन में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हालांकि ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि एक तो 15 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, वहीं अब सरकार बने हुए भी 1.5 साल हो गए। हालांकि इस बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा टलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इंतजार और बढ़ गया है। ये इंतजार कितना लंबा होगा, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए इनका जवाब जानने की कोशिश करें, उसके पहले देखते हैं वाली खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच निगम मंडलों में नियुक्ति की सुबगाहट तेज हो चली है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिन के दौरे पर रायपुर आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते उनके आने का कार्यक्रम फिलहाल टल गया। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने संकेत दे दिए हैं, इस बार पीएल पुनिया के दौरे का एजेंडा निगम मंडल की नियुक्तियां। राहुल जी की मंशा थी और मुख्यमंत्री जी भी सब कोई चाह रहे थे प्रदेश में भी कि निगम मंडलों के लिए भी नाम फाइनल अगर हो सके तो हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए एक वो प्रमुख एजेंडा हो। प्रदेश में 50 से ज्यादा निगम मंडल है, जिसमें अध्यक्षों के साथ उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियां होनी है। कुछ की नियुक्ति हो भी चुकी है और कुछ पद विषय विशेषज्ञों और शासकीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। नियुक्तियों के लिए दावेदार बड़ी संख्या में, लिहाजा कांग्रेस को जैसे ही पूनिया के आने की खबर मिली तो कईयों ने लॉकडाउन के बीच ही रायपुर की दौड़ लगा दी। हालांकि फिलहाल तो पूनिया का दौरा टल गया है, लेकिन संख्या में कांग्रेसियों को एडजस्ट कर पाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। इधर बीजेपी का कहना है कि निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस नियुक्तियों में खींचतान या गुटबाजी की आशंकाओं को खारिज कर रही है। घोषणा के बाद भी गुटबाजी बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं कांग्रेस में, इस वजह से ये लगातार किसी न किसी कारण से बहानेबाजी करके विलंब से किया गया है। बहुत से असंतोष कांग्रेस में इसी कारण से। जो एजेंडा था सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल हो, उसकी मीटिंग की समन्वय समिति की 7 तारीख को, और बाकी बातें तो कोरोना के कारण बहुत सी बातें लंबी खींचते जा रही है, देखिए इंतजार कीजिए आगे क्या होता है। बहरहाल पूनिया का दौरा टलने से निगम मंडलों में नियुक्तियों की बात फिलहाल के लिए टल गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्तियां होंगी। हालांकि इस बीच सवाल ये भी है कि कोरोना कहर के दौरान नियुक्तियां करना या उस पर बातचीत करने का क्या ये सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो निगम मंडलों में नियुक्ति से नफा या नुकसान, इस विषय पर चर्चा करने के हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं श्री भूपेश सरकार के मंत्री टी एस सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बीजेपी के पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और भोपाल स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत। सिंहदेव साहब, इस समय जब एक तरफ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी जा रही है, ऐसे समय पे कोरोना से लड़ने के बजाय अगर निगम मंडलों में नियुक्तियां होती हैं तो निश्चित तौर पे सरकार पे खर्च बढ़ेगा। उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, इनके वेतन भी होते हैं, इनके भत्ते भी होते हैं, तो क्या उचित है ऐसे समय पे? इसमें दृष्टिकोण अपना अपना हो सकता है। एक कि कामकाज रुक तो नहीं सकता या रुकना भी नहीं चाहिए जी, और दूसरा कि खर्चा कितना आएगा। अगर 50 नगर निगम मंडल हैं जी, तो 10 लाख रुपया अगर एक नगर निगम में अतिरिक्त खर्चा आता है तो 50 नगर निगम में ये मेरे ख्याल से करीब 5 करोड़ रुपया अतिरिक्त महीने का आएगा। साल का 60 करोड़ रुपया औसतन बनेगा, हालांकि 2-3 महीने तो निकल ही जाएंगे जी। तो कुल साल के बजट पे खर्चा उतना कम आएगा और कई उसके खर्चे होंगे जो निगम है वो विद्यमान ही है, चल ही रहे हैं, तो जरूरी भी नहीं है कि इतना ज्यादा खर्चा आए, क्योंकि कर्मचारी इत्यादि तो करीब करीब वैसे ही हैं। मित व्यता अगर बढ़ती जाए तो इसके आधे में भी हो सकता है जी। तो तर्क वितर्क इसमें हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये निगम है और अस्तित्व में है और इनके कामकाज को बेहतर किया जा सकता है तो उनके खर्चे भी बचाए जा सकते हैं। तो अगर खर्चे बचा के बेहतर काम किया जाएगा तो अतिरिक्त खर्चा भी हो सकता है कि ना आए। तो इसमें कई कई बातें रहती हैं। अगर वो निगम है और विद्यमान है तो उसमें नियुक्ति भी अगर की जाती है तो मैं नहीं समझता कि नुकसान है, और राशि इतनी छोटी होगी कि पूरे प्रदेश को एक महीने का वेतन या साल का वेतन जो 30,000 करोड़ हो सकता है, तो 30,000 करोड़ की तुलना में ये जो 5 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़ है, ये राशि तुलनात्मक बहुत कम है जी। राशि तो कम है लेकिन कहते बूंद बूंद घट भरे वाली स्थिति है। एक तरफ है कर्मचारियों का वेतन, चर्चा इस बात की भी है कि 30% उनके वेतन पे कटौती पर इसमें अभी क्या है क्या नहीं है, लेकिन चर्चा है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी बहुत ज्यादा नाराज हैं और फिर निगम मंडलों में नियुक्तियां करेंगे, उपाध्यक्ष भी होंगे, 10 लाख खर्च होगा जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, क्या 10 लाख में हो जाएगा? और दूसरी तरफ कर्मचारी नाराज है, कहने को एक विपक्ष को भी मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से कर्मचारी भाइयों को बहनों को यह भी संज्ञान में होगा कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को जो 2 करोड़ की राशि प्रति माह मिलती थी, प्रति वर्ष मिलती थी खर्च करने के लिए, उसमें भी 30% की कटौती कर दी है जी। तो अगर 100 करोड़ रुपए मिलते थे तो 100 करोड़ में 30 करोड़ की तो उनने वहां कटौती पहले भी कर दी है जी। अभी तो कर्मचारियों की कटौती की बात आई नहीं है जी। चर्चा में किसी कारण आ गई है, हम लोग कैबिनेट में भी जब बैठे थे तो कोई ऐसी बात नहीं आई थी जी। ये जरूर चर्चा हुई थी कि अगले महीने में हमने 2 महीने का तो दे दिया, अगले महीने में दिक्कत आ सकती है जी। लेकिन कहीं कोई बात की इतनी कटौती होगी ऐसा कोई बात भी नहीं आई थी। तो अभी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है जी। और स्थितियों में भी परिवर्तन है। अप्रैल महीने में अगर जीएसटी का देखें तो जीएसटी की वसूली 220 करोड़ की हुई थी जी। और इस महीने अगर आप देखिएगा तो जो जीएसटी की वसूली हुई है करीब 600 करोड़ की हुई है जी। तो अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पे आ जा रही है। पूरा प्रभाव साल भर ऐसा पड़ेगा जैसा अप्रैल में था जी। ऐसा अनुमान भी है कि ऐसा नहीं होगा जी। तो ना कर्मचारी बहनों भाइयों को ना आने लोगों को जी। लेकिन ये तय है कि कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा जी। तो विकास कार्यों में उसका प्रभाव देखा जा सकता है जी। सुनील साहब, आपने कहा कि और ये निर्णय लेने की बात होगी कि आप नगर निगम में जो विद्यमान है जी, आपने कहा कि जो विधायकों को 2 करोड़ की राशि दी जाती थी, 100 करोड़ आपने बताया, उसमें 30% कटौती, ये राशि विधायकों को नहीं दी जाती थी। विधायकों को इसलिए दी जाती थी कि वहां उनके क्षेत्र में विकास के कामों में वो लगाए, मतलब छोटा छोटा वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कहीं पुलिया बनना है, कहीं खरंजा बनना है, कहीं छोटी सी रोड बनना है, ये इसके लिए दी जाती थी।
ऐसी स्थिति में वो कटौती भी मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए जो विधायकों को, उसकी जगह ये कटौती अगर होती है कि अभी फिलहाल निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां हैं सीधे सीधे, तो अगर इनको 2-4-6 महीने टाल दिया जाता तो क्या बेहतर नहीं होता? देखें, विधायकों को जो राशि दी जाती थी जो आपने कहा, ये स्थानीय विकास के कार्यों के लिए दी जाती थी जी। और बजट में अगर आमदनी आपकी नहीं आएगी तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा जी। अगर ये तर्क हम लोग बहुत आगे ले जाएंगे जी तो सारी नियुक्तियां भी रुक जाएंगी जी। हमको नए नियुक्तियां करना है, नए जगह लोगों के पद भरने हैं, तो इतना भी संकीर्ण विचार हमको नहीं रखना चाहिए कि कहीं पर कुछ लोगों को अगर जिम्मेदारी देनी है तो वो ऐसा दबाव बना दिया जाए कि नहीं ये अपने पार्टी के लोगों को रख ही ना सके, वहां पर जगह में जिम्मेदारी ना दे सके जी। फिर तो मंत्रियों को भी हटा दीजिए, अन्य लोगों को भी हटा दीजिए, तो ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं जी। तो मेरा मानना है कि ऐसा भी सोच नहीं हमको बनाना चाहिए जी। बूंद बूंद से सागर जरूर भरता है जी। लेकिन अगर बाल्टी आधे से ज्यादा भरी हुई है तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम उसका उपयोग ऐसे कार्यों में कर सके जिससे कि बेहतर कार्य निष्पादन हो सके जी। जी, चलिए हम इसमें क्यों तर्क वितर्क करें। बिजमोहन जी बैठे हैं हमारे साथ, पूर्व मंत्री बिजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। वो क्या कहते हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। त्रिपाठी जी, अभी हमारे साथ सिंहदेव साहब भी हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया था कि ऐसे समय पे जब कोरोना का संकट है, आर्थिक संकट से सरकार जूझ रही है, कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में कटौती हो रही है, ऐसे समय पे राजनीतिक नियुक्तियां करना, करीब 50 निगम मंडल हैं, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उन्होंने बहुत अच्छे से सलीके से ये चीज बताई कि कितना लगभग खर्च आएगा, तो 60 करोड़ का लगभग साल भर का उन्होंने बताया खर्च आएगा। आपका क्या कहना है, ऐसे समय पे नियुक्तियां होनी चाहिए या नहीं, राजनीतिक नियुक्तियां निगम मंडलों में? देखिए, जिन निगम मंडलों में के माध्यम से आम जनता को फायदा पहुंचता है जी, जिसमें काम करना जरूरी है जी, और जिनके बिना काम नहीं चल सकता, विकास रुक जाएगा जी, ऐसे निगम मंडलों में तो नियुक्ति करें, परंतु लोगों को ओबिलाइज करने के लिए नियुक्तियां करना है जी, तो ओबिलाइज करने वाली नियुक्तियां नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने जो हो चुके हैं उनपे तो हम खर्चों में कमी कर सकते हैं, लोगों को निकाल नहीं सकते, लोगों को हटा नहीं सकते, परंतु नई नियुक्तियां करना तो हमारे हाथ में है जी। तो जब तक आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी भी चर्चा चल रही है कि 30% कर्मचारियों का, अधिकारियों का वेतन काटा जा सकता है जी। जब अधिकारियों के वेतन काटने की चर्चा हम करते हैं जी, किसानों को अगर 5,000 करोड़ रुपए देना है तो किसानों को 4 किस्तों में 5,000 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है जी। तो जब किसानों को हम उसका उनकी कीमत नहीं दे पा रहे, उनका अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बाकी लोगों के अधिकारों में हमें कटौती करने की बात नहीं है, नए अधिकार जो देने की बात है उसको हम कुछ डिले कर सकते हैं कि जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तब हम उनकी नियुक्तियां करें जी। सुनो साहब, मैं वही जो बृजमोहन जी भी वही कह रहे हैं जो मैंने आपसे सवाल किया था कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए और चर्चा जो 30% वेतन में कटौती करने की है, चर्चा विपक्ष तक भी है। जी, उसमें त्रिपाठी जी जी, अब ये तो केवल चर्चा हो रही है, थोड़े हल्के से मैं ये कह रहा हूँ, मेरे से लोग नाराज मत हो जाए जो सुन रहे हैं जी। मान लीजिए बिना वेतन के आपने मनोनयन कर दिया, बिना खर्चा दिया आपने मनोनयन कर लिया, तब तो आपत्ति नहीं है ना जी। मतलब चेयरमैन बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया, उनका वेतन नहीं देंगे, खर्चा नहीं देंगे, भत्ता नहीं देंगे, बृजमोहन जी ये तो बिना सींग वाले बैल हो गए हैं। बिना सींग नहीं, बिना दांत के और चना चबाने को सिंह साहब कह रहे हैं, तो बिना दांत के चना नहीं चबाया जा सकता। अगर कार्यालय होगा तो चपरासी भी होगा, मिलने वाले आएंगे, उनको चाय भी पिलाना पड़ेगा, उनको गाड़ी भी देना, पद देना मतलब सम्मान देना है जी। और सम्मान में अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो उस सम्मान का कोई मतलब नहीं है जी। और इसलिए हम तो चाहेंगे कि उसको इतनी जल्दबाजी नहीं है, मुझे मालूम है सिंह साहब आपकी राजनीतिक मजबूरी है, आपको कहना पड़ेगा नियुक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में मुझे लगता बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है, 6 महीने का अगर हम इंतजार कर लें,
आने वाले वित्तीय वर्ष में 2021 अप्रैल में अगर हम नियुक्तियां करें, और अभी जो आवश्यक है जिन, क्योंकि आज के तारीख में मुझे मालूम है कि आप अगर नियुक्तियां भी कर देंगे तो उन मंडलों, निगम मंडलों को आप बजट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आप सरकारी बजट में ही 30% की कटौती कर रहे हैं। क्या हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाकर आप उनको कोई पैसा देंगे मकान बनाने के लिए? आप कर्जे में डूबे हुए हैं। तो जब ऐसे मंडलों में, निगमों में आप नियुक्तियां कर उनको अधिकार नहीं देने वाले हैं, कोई बजट का पैसा नहीं देने वाले हैं, वो कोई काम नहीं करने वाले हैं, तो फिर ऐसी नियुक्तियों से फायदा क्या है? और जब कोरोना के संकट के समय हमारा किसान परेशान है, हमारा मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है, तो ऐसे समय अब हमने राजनीतिक लोगों को, मैं तो कहता हूं आप कांग्रेस पार्टी में पद बढ़ा दीजिए, महामंत्री 50 की जगह 100 कर दीजिए, उपाध्यक्ष 25 की जगह 50 बना दीजिए, और उनको वहां देकर आप संतुष्ट कर दीजिए, और सरकारी कोष से जो पैसा लगता है उसको हमको बचाने की कोशिश कम से कम अगले 6 महीने साल भर के लिए करना चाहिए। हालांकि ब्रजमोहन जी, मोदी जी ने लाल बत्ती तो छीन ली है, लेकिन उससे संगठन में पद से कुछ नहीं होना, जब तक सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी, सरकारी ड्राइवर नहीं मिलेगा, सरकारी दफ्तर नहीं मिलेगा, तो क्या आपको लगता है वो संतुष्ट होंगे संगठन में पद देने से? ये सिंह साहब जानते हैं कि बिना सरकारी कोष के भी इतने सक्षम है, इतनी शराब बिक रही है बड़ी मात्रा में, बहुत सारी आय हो रही है, और उस आय से जो सुविधा सरकार में देनी है वो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय से वो सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। थोड़ा सा व्यंगात्मक हो गया है सिंहदेव साहब, उत्तर देना चाहेंगे आप? जी त्रिपाठी जी, जो माननीय ब्रिजमोहन जी ने कहा, एक की ये संतुष्टि वाली बात है या उनकी प्रतिष्ठा या गरिमा कुछ कार्यकर्ताओं के बनाने की बात है, ये केवल वो बात नहीं है, जो जिम्मेदारी पाएंगे जरूर उनको कुछ प्रतिष्ठा भी साथ में मिलती है जी। प्रश्न है ये निगमों को चलाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता है कि नहीं जी। अगर आवश्यकता नहीं है तो मतलब रखिए उनको जी। और चपरासी जैसी नियुक्ति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ होगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमला तो जो पहले से काम कर रहा होगा वही करेगा, नई नियुक्तियां इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं होने वाली है जी। और मुख्यमंत्री जी हैं, उनको निर्णय लेना है इस बाबत। मैं इतना विश्वास जरूर आपके माध्यम से ब्रिजमोहन जी के सामने देना चाहूंगा कि कोई भी ऐसे किसानों को देय राशि में इसका अंतर नहीं पड़ेगा जी। ऐसी नियुक्ति के चलते किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं होगी, अगर कटौती की स्थिति आती है तो निगम में नियुक्ति के चलते नहीं आएगी जी। वो तो नियुक्ति होगी या नहीं होगी, अगर पैसे नहीं होंगे तब ऐसी स्थिति आएगी, उनसे निवेदन भी किया जाएगा, बात भी की जाएगी जरूर, वरना निगम से उनके वेतन का कोई ताल्लुक नहीं होगा जी। और ऐसे निगम मंडलों को बनाना अगर उचित समझा गया तो जरूर इसलिए किया गया होगा, और उसकी संरचना इसलिए की गई होगी कि इन लोगों के रहने से वो निगम बेहतर चलेंगे जी। और निगम मंडलों के माध्यम से जो काम होने हैं, राशि के चलते उसमें कोई काम नहीं होंगे मुझे नहीं लगता, कम ज्यादा हो सकता है जी। लेकिन काम नहीं होंगे ऐसी स्थिति नहीं है। सुबोध मोहन जी, आपको बता दें अगर निगम मंडलों का उपयोग कर लिया जाता मध्य प्रदेश में तो शायद कमलनाथ सरकार ही नहीं गिरती। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं। ब्रिजमोहन जी ने जो कहा, सिंहदेव साहब जी का जो तर्क है, रमेश जी आप कितना सहमत हैं, किसके तर्क से सहमत हैं? देखिए मोटे तौर पर मैं इस बात पे बहुत ज्यादा नहीं, मुझे लगता कि नियुक्तियों से कोई बहुत खर्च बढ़ेगा। उसका कारण है कि नियुक्तियों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो स्टाफ मिलने वाला है, पद तो खाली रहता नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेट मौजूद रहता है, तो ब्यूरोक्रेट से घर चले जाते हैं, चपरासी और एक गाड़ी उसकी घर चली जाती है जो उनकी पत्नी की सेवा करती है। देख लीजिए आप, अभी भी छत्तीसगढ़ में जो निगम मंडल होंगे और उसमें जो ब्यूरोक्रेट होगा, हर निगम मंडल की गाड़ी उनके घर पर लगी होगी, तो कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा अगर खर्च बढ़ता है तो वो केवल भत्ते का, TADA का और जो मानधन मिलता है उनको मिलता है। इसके अलावा एक उदाहरण हम और देखते हैं, आजादी के बाद से अब तक जब तक ब्यूरोक्रेट रहता है निगम मंडल में, उसकी काम करने की गति हमेशा शिथिल रहती है, और जब विशेषज्ञ उसमें आकर के बैठता है वो निगम मंडल को गति देता है। मुझे जो लगता है कि निगम मंडल में अगर नियुक्ति होगी, ये भर देख लें कि वो नियुक्ति केवल राजनीतिक तरीके से ऑब्लाइजेशन ना हो,
वो तो वही होती है, राजनीति का व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि राजनीति में सारे लोग सामान्य आते हैं, राजनीति में भी विशेषज्ञ भी होते हैं। तो वो जो विशेषज्ञ किस्म के आपके कार्यकर्ता हों उनकी संबंधित वहाँ पर जितनी जरूरत हो वहाँ नियुक्ति की ही जाना चाहिए और उससे जो है उसका काम बढ़ेगा। दूसरा खर्च आर्थिक स्थिति की, वो कोरोना का मेरा अनुभव त्रिपाठी जी ये है, मुझे पता नहीं कितना सच निकलेगा भविष्य में कितना गलत निकलेगा, कि आर्थिक स्थिति अब खराब रहने ही वाली है देश की भी और प्रदेशों की भी, वो बहुत जल्दी अब नहीं सुधरेगी। कोरोना रहने ही वाला है, वो बिल्कुल नहीं सुधरेगा। ये प्रकृति का नियम है, वायरस या कोई बैक्टीरिया पैदा होता है वो कभी नहीं मरता, वक्त के साथ प्राणी के भीतर एंटीवायरस का पैदा होता है जो हमको सक्षम रखता है, जैसे चेचक का, हैजे का, मलेरिया का, ये वायरस कभी खत्म नहीं हुए जब पैदा हुए थे। तो कोरोना भी रहने वाला है, तो कोरोना भी रहने वाला है। लगा दूं जी आपके नाम के पहले डॉक्टर लगा दूं, डॉक्टर राकेश रमेश शर्मा? मैंने ये जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, अध्यात्म का अनुभव बता रहा हूँ, ये अध्यात्म का नियम है, ये वेद का सिद्धांत है। ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे पांचवें मंडल में, तो मैं समझता हूँ उसमें जीवन के विकास क्रम का जो वर्णन है उसका सिद्धांत है। एक वक्त अगर जीव आ गया तो वो कभी मरेगा नहीं, तो वो रहेगा ही। और उसका उदाहरण हम पिछले 300 वर्षों की जो महामारियां आई हैं, हैजे की, मलेरिया की, उसका उदाहरण देख लें, तो कोरोना भी रहने वाला है। इस बीच में इसी में मुझे लग रहा है कि अगर नियुक्तियां होती हैं तो मैं तो इनको गलत नहीं समझता, बस ये भर देख लें कि किस विभाग में किस तरह की योग्यता की जरूरत है, उस तरह के व्यक्ति की उसमें नियुक्ति करें। कटौती अगर करना है, आप मुझे बताइए कि आईएएस को 2-2 लाख रुपए तक तनख्वाह मिलती है, 1-1 लाख उनको पेंशन जाकर के मिलती है। कई घर ऐसे हैं जहाँ पति पत्नी दोनों हैं, करते क्या है इतने पैसों का? कटौती हो तो ब्यूरोक्रेट के होना चाहिए। एक बात और कहकर के मैं उदाहरण अपनी बात को विराम दूंगा त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था, जितने जिले थे दोनों प्रदेशों को अलग होने के बाद जिले मध्य प्रदेश में भी बढ़ गए और जिले छत्तीसगढ़ में भी बढ़ गए, ताकि कलेक्टर बढ़ गए, ब्यूरोक्रेट्स बढ़ गए, आईपीएस बढ़ गए, विधायकों की संख्या नहीं बढ़ी। तो ये योजना पूर्वक ब्यूरोक्रेट से ये फुलझड़ी छोड़ते हैं कि जनप्रतिनिधियों को दूर रखा जाए ताकि उनके अधिकार जो है उनका निरंकुशता उसमें चलती रहे। जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति का मैं तो समर्थक हूँ। मोहन जी, रमेश जी भी समर्थन दे रहे हैं और ये साथ में तर्क भी दे रहे हैं कि आखिर वहाँ पे वाहन भी होगा, ड्राइवर भी होगा, पेट्रोल भी हो रहा होगा और ये उपयोग कर रहे होंगे वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे होंगे जो अभी चला रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि शिथिलता रहती है, काम शिथिल रहते हैं, अगर कोई राजनीतिक नियुक्तियां हो जाती है तो काम में तेजी आती है, विकास में तेजी आती है। देखिए, मेरा भी अनुभव इस बात का है जी, लंबा अनुभव है जी, कि आज के समय पर एक्सपर्ट्स की नियुक्तियां नहीं होती हैं जी। अगर सीएसईबी में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नियुक्तियां होनी है, कंपनियों में नियुक्तियां होनी एक्सपर्ट की होगी, पर्यावरण मंडल में नियुक्ति होनी है तो पर्यावरण मंडल में आप किसी एक्सपर्ट की नियुक्ति करें, पर्यावरणविद की नियुक्ति करें, ना कि राजनीतिक की नियुक्ति करें। और आजकल बड़े राजनीतिज्ञों की नियुक्ति होती है निगम मंडलों में, जिनको विधायक की टिकट नहीं मिलती, जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, और इसलिए उनकी सुविधाएं देने के लिए होता है। तो अगर निगम मंडल में कोई पुरानी गाड़ी खटारा तो उनको 25 लाख की गाड़ी चाहिए, 50 लाख की गाड़ी चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, और इससे सरकार के पैसे अतिरिक्त खर्च होते हैं। तो अतिरिक्त खर्चों के बिना अगर इस काम को किया जा सकता है, और आज के समय पर तो 75% निगम मंडल जो है वो सिर्फ नाम के लिए बचे हैं, काम के लिए नहीं बचे हैं। आप मध्य प्रदेश में भी देख लें कि 75% निगम मंडलों में कोई काम नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में 75% निगम मंडलों में कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 3 सालों में निगम मंडलों को तनख्वाह देने के लिए जब तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जहां पर आवश्यक नहीं है, जहां पर काम नहीं है, वहां पर नियुक्तियों का कोई औचित्य नहीं है, और वहां पर नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। जहां पर काम है वहां पर करें। और मेरा कहना है, राजनीतिक हमें राजनीति में है तो राजनीति में लोगों को संतुष्ट करना ये भी जरूरी है, तो इसके लिए हम 6 महीना साल भर इंतजार कर सकते हैं कि जब आर्थिक स्थितियां ठीक हो जाए, परिस्थितियां ठीक हो जाए, उस समय हम नियुक्ति करें तो ज्यादा औचित्य होगा। जी सिंधे साहब जी, जी ब्रिजमोहन जी ने कहा कि उस समय नियुक्ति करना उचित होगा। जी जी, ब्रिजमोहन जी की बात सुनी होगी आपने, हालांकि रमेश जी समर्थन कर रहे हैं आपका। जी जी, उसमें
रमेश जी ने भी तर्क रखे हैं, मैं भी पार्टी के अलावा के जमाने में जी सिंह साहब मैं यही बात रखना चाह रहा था कि एक्सपर्ट्स की जब बात आती है जी। तो हम लोग मैं कौन सा डॉक्टर हूं कि आज स्वास्थ्य विभाग की देखभाल कर रहा हूं जी। मैं कौन सा पंचायती राज का एक्सपर्ट हूं कि मैं पंचायती राज की व्यवस्था देख रहा हूं जी। जो मंत्री बनते हैं वो कौन से उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं कि उस मंत्री उस विभाग के वो मंत्री बनते हैं जी। जानकारी होती है, अनुभव होता है। हम लोग अगर राजनीति में हैं तो दुनिया के बारे में हम लोग भी कुछ जानते समझते पढ़ते हैं, कोई डिग्री के रूप में विशेषज्ञता की वैसी आवश्यकता नहीं होती। कौन सा अधिकारी है, कितने अधिकारी होंगे जो अपने विभाग के काम का संचालन करते हैं और उस विभाग की उनको एक्सपर्टीज है जी। ये अधिकारियों के ट्रांसफर हम करते हैं हर साल, दो साल, छह महीने, आठ महीने में ट्रांसफर होता है। तो जो सिंचाई विभाग में आता है क्या वो इंजीनियर है, क्या वो एक्सपर्ट है? जो हमारे प्रमुख सचिव या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी हेल्थ में होते हैं क्या वो डॉक्टर्स हैं जी। क्या जो इंजीनियरिंग के काम देखेंगे पीडब्ल्यूडी का करेंगे वो इंजीनियर होते हैं जो कि आईएएस में आते हैं और काम करते हैं? ऐसा नहीं है जी। अपने फील्ड की एक्सपर्टाइज से दुनिया के बहुत सारे कामों को जानकारी करना और उसके मैनेजमेंट को करना जी। ये क्षमता डिग्री के साथ जरूरी नहीं है, बल्कि मैंने तो ये देखा है कि कई लोग जिनके पास सब्जेक्ट की डिग्री होती है वो मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं कर पाते। ये मैं अपने विभाग के अनुभव से भी आपको बता रहा हूं कि जो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे वो जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल का प्रबंधन अच्छे तरीके से कर पाए, और मैंने बल्कि देखा है कि नहीं कर पाते, उतने अच्छे से नहीं कर पाते जी। तो इसमें विचार अपना खुला रखना चाहिए, और जनप्रतिनिधि जो आते हैं उनको भी बहुत अनुभव होता है, और एक मैनेजमेंट अपने विभाग का हो या अपने निगम का हो जो उनको काम मिलेगा वो करने की उनकी अवश्य उतनी क्षमता होगी। लेकिन फिलहाल अभी तो इसको दो तीन चार महीने तो टाला जा सकता है सिंह साहब। फिर तो बहुत चीज टल जाएंगी त्रिपाठी जी, जी। काम अगर हमको करना है तो ये इन बातों में हमको रुकना नहीं चाहिए, इन बातों में हमको अटकना नहीं चाहिए। मैं आपको अपने विभाग का एक अनुभव बताता हूँ। यहाँ डीकेएस अस्पताल चल रहा था जी। अधिकारी थे जो अमला था वो उसको चला रहा था, जो लोग थे वहां प्रबंधन में चला रहे थे। 4 करोड़ रुपया उनका महीने का खर्चा चल रहा था। हम लोग आए, हम लोगों ने काम जब संभाला, आज उसको स्ट्रीमलाइन किया तो 2 करोड़ रुपए महीने पे खर्चा चल रहा है जी। एक अस्पताल डीकेएस का अस्पताल रायपुर में 4 करोड़ रुपए महीने से 2 करोड़ रुपए महीने पे चल रहा है। तो जब जनप्रतिनिधि आते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल कुर्सी सुशोभित करने के लिए या कुर्सी पे बैठने के लिए या गाड़ी चलाने गाड़ी में सुविधा लेने के लिए, वो डायरेक्ट योगदान भी करते हैं उस इकाई के संचालन में, सीधा योगदान भी करते हैं। और ऐसी क्षमता रखने वाले लोगों को निगम मंडल के लिए चुना जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। उसे जैसा आपने कहा टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के बात सही है। ये तो खैर इसकी परंपरा तो कांग्रेस शासन में ही हो गई थी, सारे ब्यूरोक्रेट्स आके बस ऊपर आ गए थे, टेक्नोक्रेटों को जो तकनीकी रूप से सक्षम है उनको पीछे छोड़ दिया गया। खैर बिजमोहन जी, सिंगल जी कह रहे हैं बहुत सधे हुए शब्दों से, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हीं की नियुक्तियां होंगी जो उस निगम मंडल के बारे में बेहतर ज्ञान रखता होगा। देखिए त्रिपाठी जी, जी आप भी जानते हैं और सिंहदेव साहब भी जानते हैं और रमेश शर्मा जी भी लंबे समय तक राजनीति को देखते रहे हैं जी, सब जानते हैं कि जो नियुक्तियां होती हैं वो योग्यता के अनुसार नहीं होती हैं जी। जो नियुक्तियां होती हैं वो पहुंच के अनुसार होती हैं, वो चाहे आपकी पार्टी में हो, चाहे हमारी पार्टी में हो, चाहे आपकी सरकार में हो, चाहे हमारी सरकार में हो जी। और इसलिए नियुक्तियां पहुंच के आधार पर होती हैं, और उसमें बहुत बार तो सिर्फ लोगों को सम्मानित करने के लिए उनको पद दिया जाता है जी। और राजनीति में ये सब आवश्यक भी है जी, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह है जी, और राजनीतिक पद अपनी जगह है जी, दोनों की तुलना नहीं होती है जी। परंतु ना सिंह साहब डॉक्टर बन सकते, ना मैं डॉक्टर बन सकता, ना हमारे साथ में डिग्री हमको मिल सकती और ना हम डॉक्टर का काम कर सकते, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह है। और मेरा तो ये स्पष्ट मानना है
कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ही लगाना चाहिए और तकनीकी कामों में तकनीकी लोगों को ही लगाना चाहिए। और इसलिए देश में ऐसी व्यवस्था भी शुरू हुई थी कि इंजीनियरिंग चीफ जो है वो बनेगा तो वो इंजीनियर ही बनेगा, अगर डायरेक्टर कोई बनेगा कृषि का तो कृषि का अधिकारी कोई डायरेक्टर बनना चाहिए, कुछ ऐसी परंपराएं देश में शुरू भी हुई, परंतु बीच बीच में वो परंपराएं टूट जाती हैं। जहां पर जहां तक निगम मंडलों में नियुक्ति का सवाल है, मुझे मालूम है सिंह साहब की मजबूरी है, वो इसका विरोध नहीं कर सकते, उनको तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि उनके भी कुछ समर्थक बनेंगे निगम मंडलों के अध्यक्ष, तो इसलिए वो तो कहेंगे कि नियुक्तियां होनी ही चाहिए, परंतु वास्तव में नियुक्तियों के हम भी विरोधी नहीं है। राजनीति में सब लोगों को साथ में लेकर चलना, उनको संतुष्ट करना, ये सबसे बड़ा काम है, परंतु वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों में सरकारों के पास जितनी आर्थिक तंगी है, पैसों की कमी है, और ऐसी परिस्थितियों में और हम सफेद हाथी क्यों पाले, ये इस बात के ऊपर में हमको विचार करना चाहिए। और सरकार है, कोई हमारे विरोध करने से वो रोक नहीं देंगे, वो चाहेंगे तो वो करेंगे जी। और नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, परंतु हमारा मत ये है कि अभी जो आवश्यक है वही करें, जो आवश्यक नहीं है उसको हमको रोकना चाहिए। चलिए अंतिम सवाल या उत्तर शिंदे साहब आपकी अपेक्षित है। जी त्रिपाठी जी, उसको उचित और आवश्यक समझेंगे तभी करेंगे, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स हैं, वो अगर इसको उचित और आवश्यक नहीं समझेंगे तो कतई नहीं करेंगे जी। और उचित और आवश्यक समझेंगे तभी करेंगे जी। बिल्कुल सुंदर साहब। बिजमोहन जी, एक छोटी सी लाइन, पता नहीं क्यों आज आप दोनों लोग एक साथ बैठे हैं, मेरे मन में आ रही है, कहें तो कह दूं, मुश्किल से एक लाइन है। सिंधे साहब बोलिए त्रिपाठी जी। सिंधे साहब आपकी हमारे भी सिंधे साहब आपकी भी अनुमति है। सिंधे साहब जरूर जरूर, अन्यथा न लिया जाए उसको, दोनों लोगों के लिए है हमारा ये। जरूर कहें कि कमबख्त नहीं कहें बोलिए बोलिए। कमबख्त जख्म तो तब लगे थे जब जंगे मैदान में थे, कुरेदा उनको तब गया जब मंजिल की मुहाने पे खड़े थे। आप दोनों लोगों को नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। चलिए धन्यवाद शर्मा जी, आपको भी बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। आपसे बहुत दिनों बाद हुई मुलाकात जी, नमस्कार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का जी। तो निगम मंडलों में कांग्रेसियों के बीच असल रेस मलाईदार पदों को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता में आए 1.5 साल हो चुके हैं और कई बड़े नेताओं के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। वो ज्यादा परेशान है, उन्हें उम्मीद है कि जब नियुक्तियां होंगी तो उन्हें मलाईदार पद जरूर मिलेगा। हालांकि इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्यादा से ज्यादा अपने खास लोगों को निगम मंडलों में बड़ा पद दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस सबसे इतर बड़ा सवाल यह है कि अगर लॉकडाउन और सुस्त अर्थव्यवस्था के बीच इन निगम मंडलों में भर्तियां होती हैं तो फिर खर्चे भी बढ़ेंगे, जो शायद कोरोना संकट के बीच में सही नहीं होगा, क्योंकि एक ओर सरकार खर्चों में कटौती के लिए कर्मचारियों अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक चुकी है, साथ ही वेतन में 30% कटौती किए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में निगम मंडलों में अभिनियुक्ति करना जनता में सरकार के प्रति नाराजगी पैदा कर सकती है। खैर, छत्तीसगढ़ के बाद रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां 24 सीटों पर उपचुनावों का रोमांच जोर पकड़ रहा है। लिहाजा अब बात सत्ता के संग्राम।